हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान सागुरा और आप जुड़ चुके हैं सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे जो फ्रैक्शंस में हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हम किस तरीके से फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसको आज समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, फ्रैक्शन का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो टू डिफरेंट केसेस पॉसिबल हैं। एक तो यह है कि आपका जो एक नंबर है वो तो कैसा हो, फ्रैक्शन हो, और जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो एक होल नंबर हो या एक नेचुरल नंबर हो या इंटीजर हो, जो भी आप उसको बोलना चाहें। तो एक तो उसमें फ्रैक्शन होना चाहिए और दूसरा कोई भी एक कंप्लीट नंबर, फुल नंबर होना चाहिए, जिसको आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देख सकते हो। आप उसको होल नंबर बोल सकते हो या उसको एक नेचुरल नंबर में रख सकते हो। इसके बाद हम देखें जो दूसरा केस है हमारे सामने, उसमें क्या होगा कि एक फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हम एक फ्रैक्शन को एक होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो, एक फ्रैक्शन मान लो, एक फ्रैक्शन हमने रखा, जैसे मान लो 1/2 है, और हमें इसको मल्टीप्लाई करना किसी होल नंबर से, जैसे मान लो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 का मतलब क्या हुआ कि 1/2 यहाँ पर 2 टाइम्स ऐड होगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, 1/2 प्लस 1/2, और इसको ऐड करना भी हमें आता है इजीली। हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर में इक्वल नंबर है, इसका मतलब ये लाइक फ्रैक्शन है, और लाइक फ्रैक्शन को आप इजीली ऐड कर सकते हो। नीचे आप डिनोमिनेटर में सेम नंबर रखो और न्यूमरेटर को आप ऐड कर दो, तो यहाँ से क्या बनेगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2/2, या इसको आप क्या बोल सकते हो, 2 से 2 कैंसिल होकर क्या बनेगा, 1। इसी तरीके से यहाँ पर ये भी बोला जा सकता था, 1/2 × 3 इज इक्वल टू, तो इस केस में क्या होगा, ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको 3 टाइम रखेंगे यहाँ पर, 1/2 + 1/2 + 1/2, और ऐसा करने पर हमें क्या देखने को मिलेगा, 1 + 1 + 1/2 इजक्वल्स टू 3/2, ठीक। इसको आप चाहो तो अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, जो 3 है वो कितने टाइम डिविजिबल होगा, 1 टाइम, रिमाइंडर 1, एंड यहाँ पर डिविजर क्या है, 2, तो 1 and 1/2, ये आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। अब देखो ये होता किस तरीके से है, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर एक ब्लॉक है, जहाँ पर आपको एक फुल ब्लॉक है जिसको हमने 2 equal parts में डिवाइड कर दिया, और इसकी जो एक पार्ट है इसको हमने क्या कर दिया, शेडेड कर दिया, ठीक है। अब जो शेडेड पार्ट होगा, ठीक है, तो ये शेडेड पार्ट क्या शो कर रहा होगा कि ये 2 पार्ट थे उनमें से ये 1 है, इसका मतलब ये किसको शो कर रहा होगा, 1/2, ठीक है। इसी तरीके से हम एक और पार्ट लें, तो इस केस में देखो क्या होगा, ये इस तरीके से शेडेड होगा ये पार्ट, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, 1/2। अब ये 2 टाइम्स हो गया, 1/2 and 1/2, तो इससे हमें क्या देखने को मिलेगा कि हम एक फुल पार्ट वाला कॉलम यहाँ बनाएंगे, और हम इसको इस वाले पार्ट के लिए हम इस वाले पार्ट को हम क्या कर देते हैं, इसको शेडेड कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि इस वाले पार्ट के लिए हम अब यहाँ पर इसको तो कैसे शेड इस पर तो कैसे शेड डालेंगे, तो इसको इस पर नहीं डाल सकते, तो हम फिर यहाँ पर शेड डालेंगे, और यहाँ पर हमें देखो क्या देखने को मिला कि 1/2 and 1/2 2 times क्या हो गया, फुल। यही चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल रही है, 1/2 × 2 times यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें एक फुल नंबर मिल रहा है, ठीक है। अगर ये 3 times होता तो उस केस के लिए देख लो, अगर ये 3 times होता तो उस केस के लिए देखें, तो इनके लिए तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इनके लिए तो कैसा हो जाएगा, इस तरीके से ये कंप्लीटली शेडेड हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, अभी ये पार्ट बच गया, तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, हमें एक ब्लॉक और यूज में लेना पड़ेगा। तो ये देखो, तो ये वन एंड हाफ, सिमिलरली इसको भी तो हम ऐसा लिख सकते हैं वन एंड हाफ, इसका मतलब यही तो होता है एग्जैक्ट मीन। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब हम एक फ्रैक्शन को एक होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस केस में हो क्या रहा है, जैसे यहाँ पर थ्री था, ठीक है, और इस थ्री को आप वन से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, थ्री डिवाइडेड बाई टू, थ्री डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बेसिकली इसको भी आप ऐसे कैसे रख सकते हो, अभी हम यहाँ देखते हैं क्या करें इसका। जैसे मान लो आपके पास कोई भी नंबर है वन बाई टू, इसको आप थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो हम इसको इस तरीके से तो बार बार लिखेंगे तो एक लेंथी प्रोसेस होगी, इससे अच्छा हम क्या करेंगे, इसको कुछ वन को थ्री से इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे और टू को एज इट इज, तो यहाँ पर क्या बनेगा थ्री बाई टू। तो इस केस में आपको समझ में आया कि अगर आपको एक फ्रैक्शन को एक होल नंबर से जब मल्टीप्लाई करना हो, तो उसके जो न्यूमरेटर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है, कि एक जब फ्रैक्शन को हम किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में आपका जो न्यूमरेटर है वो मल्टीप्लाइड होंगे, लेकिन आपका होल नंबर उसमें जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका सेम रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। जिससे क्या है कि आपको, अभी तो हमने यहाँ पर जो न्यूमरेटर था वो वन ले रखा है, तो आपको थोड़ा सा उससे डाउट भी हो सकता है, तो अभी हम कुछ और एग्जांपल लेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो ये बॉक्स है जहाँ पर थ्री बॉक्सेज कैसे हैं, शेडेड बॉक्सेज हैं। सिमिलरली एक और बॉक्स है यहाँ पर, उसके भी थ्री जो बॉक्सेज हैं वो कुछ इस तरीके से शेडेड हैं। ठीक है, तो इसका जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या नजर आएगा कि मैं ये जो थ्री बॉक्सेज हैं इनको मैंने यहाँ पर शेडेड फॉर्म में रख दिया, ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट वाला जो बॉक्स है उससे हम ऑलरेडी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि अभी कुछ बॉक्स रिमेनिंग है जो यहाँ वाले शेडेड बॉक्स हैं, उनको भी हमें शो करना है, तो उनको कहाँ शो करें, तो उनमें से थ्री बॉक्सेज में हम वन बॉक्स तो यहाँ पर शो कर सकते हैं, वन बॉक्स को तो कहाँ शो कर सकते हैं, यहाँ पर, लेकिन अभी भी तो क्या है थ्री बॉक्सेज रिमेनिंग है, अभी भी क्या है थ्री वो टू बॉक्सेज क्या है रिमेनिंग है, तो उन टू बॉक्सेज के लिए हम यहाँ पर उनके लिए इसको शेडेड फॉर्म में रख देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये तो फुल बॉक्स बन गया, यानी कि वन हो गया ये, तो प्लस ये देखो फोर में से केवल टू बॉक्स फिल हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं टू बाई फोर, और जब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा वन बाई टू, तो ये क्या बन गया वन प्लस वन बाई टू। यहाँ से भी आपको नज़र आ रहा होगा कि हाफ बॉक्स ही क्या है शेडेड फॉर्म में, ठीक है, तो इसको आप इसी तरीके से रख सकते हो वन एंड वन बाई टू, या फिर आप इसको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखोगे तो टू एंड टू वन टाइम टू एंड वन थ्री बाई टू, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है थ्री बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर, तो इस केस में देखो आप वो क्या रहा है यहाँ पर,
कि मुझे क्या करना था, 3/4 को 2 से मल्टीप्लाई करना था। तो इस केस में क्या करूँगा मैं, अभी मैंने बताया कि पहले मैं न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लूँगा, 3 × 2 / 4, ठीक है। 3 × 2 कितना होगा, 6/4। अब ये दोनों ही नंबर 2 से डिविजिबल है, तो 2 से ऊपर वाले नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 होगा और नीचे वाले नंबर को 2 होगा। या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे कि 4 जो है, जो 6 है वो 4 से कितने टाइम डिविजिबल होगा, 1 टाइम, एंड उसके बाद 2 रिमेनिंग एंड 4, ठीक है। तो ये और ये आपको देखो सेम मिल रहा है यहाँ पर। तो अब आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि जो आपका एक फ्रैक्शन होगा, जब आप उसको एक होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उस केस में आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका जो रिजल्टेंट आएगा उसमें न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाइड होगा और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। तो अभी आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ जो आपके एनसीईआरटी की जो बुक में एक्सरसाइज गिवन है उसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो जो आपके सामने जो बोर्ड पर की जो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रखा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस अभी तक जो आपने समझा बस उसी को फॉलो करते हुए चलना है। तो यहाँ पर क्या लिखा, 3 × 1/5 = 3/5। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि यहाँ पर 3 एक जो होल नंबर है इसके इक्वल कुछ कॉलम गिवन होंगे, ठीक है, कुछ बॉक्स गिवन होंगे इस होल नंबर के इक्वल। जैसे यहाँ 3 है तो 3 बॉक्स गिवन होने चाहिए, या 2 है तो 2 बॉक्स गिवन होने चाहिए, या 3 है तो 3 बॉक्स गिवन होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर 3 बॉक्स गिवन है तो 3 बॉक्स कौन से में गिवन है, वो भी किस साइड में, इक्वल के साइन से लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले बॉक्स गिनते हैं, यहाँ पर कितने 2 बॉक्सेज हैं, यहाँ पर कितने 1, 2 और 3, एंड यहाँ पर भी कितने 3 बॉक्सेज हैं। तो इसका मतलब इस वाले के लिए ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला तो फर्स्ट वाले के लिए नहीं है, ठीक है। इसके लिए कौन कौन से पॉसिबल है, या तो ये वाला पॉसिबल है या फिर ये वाला पॉसिबल है, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं कि जो बॉक्स गिवन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, जो गिवन बॉक्स वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आपका डिनोमिनेटर पर। किस पर डिपेंड करेगा, डिनोमिनेटर पर। तो डिनोमिनेटर यहाँ पर कितना है, 5। तो जो आपका बॉक्स है वो एक बॉक्स कितने पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, 5 में। अब जब आप इस वाले बॉक्स को देखोगे तो ये वाला बॉक्स आपका 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और ये वाला बॉक्स आपका 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका मतलब ये वाला भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। अब है या नहीं है ये हम चेक कर लेते हैं। तो देखो 3 है, 3 बॉक्सेज भी हैं, 5 तो 5 पार्ट्स में डिवाइड है, और सभी बॉक्सेज में जो फिल है, जो पार्ट फिल है वो कितना है, 1। तो यहाँ पर देखो, यहाँ 1, इसमें भी 1 पार्ट फिल है, इसमें भी 1 पार्ट फिल है, और इसमें भी 1 पार्ट फिल है, ठीक है। तो इसका मतलब राइट लेफ्ट हैंड साइड तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो राइट हैंड साइड में यहाँ पर क्या लिखा, 3/5, यानी कि एक ही बॉक्स होगा वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा और उसमें 3 जो पार्ट है वो फिल होंगे। तो ये देखो 5 पार्ट में डिवाइडेड है, एक ही बॉक्स है और उसके 3 पार्ट्स फिल हैं। तो इसका मतलब जो आपका फर्स्ट वाला है इसका आंसर कौन सा आएगा, सी। अब आते हैं सेकंड पर। तो सेकंड पर हमें मालूम है कि 2 बॉक्सेज गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कितने बॉक्स हैं, 2। इसमें तो 3 थे, इसमें भी 3 थे, इसका मतलब ये वाला होगा, हो सकता है। अभी इसको भी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर 2 बॉक्सेज हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 2 बॉक्सेज गिवन है। उसके बाद देखो, एवरी बॉक्सेज डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल पार्ट्स, क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर वो 3 है। तो यहाँ पर देखो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, तो यहाँ तक भी काम हो गया अपना। उसके बाद देखो इसका जो न्यूमरेटर वो कितना है, 1, यानी कि
जितने पार्ट्स गिवन होंगे उनमें से सिर्फ वन पार्ट फिल होगा। तो यहाँ देखो केवल वन पार्ट फिल है और यहाँ पर भी देखो केवल वन पार्ट फिल है। अब आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में देखो क्या लिखा है, 2/3, यानी कि एक ही बॉक्स होगा वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा और उसमें से 2 पार्ट्स फिल होंगे। तो ये जो ए है वो किसके लिए आंसर हो गया, सेकंड वाले के लिए। अब थर्ड वाले के लिए देखो 3 बॉक्सेज चाहिए, तो 3 बॉक्सेज हमारे पास यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4th पार्ट में। एवरी बॉक्स कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 4 पार्ट्स में। तो ये तो 5 पार्ट्स में डिवाइड था, 4 पार्ट्स में ये वाला डिवाइड है। अब इसमें देखो कि जो न्यूमरेटर में उतने पार्ट्स फिल होंगे, जो भी बॉक्सेज गिवन होंगे उनके न्यूमरेटर में जो भी नंबर लिखा है उतने पार्ट्स उसके फिल होंगे। तो 3 पार्ट्स देखो, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। तो लेफ्ट हैंड साइड सेटिस्फाई हो रही है। राइट हैंड साइड में चलो क्या है, 2 एंड 1/4। इसका मतलब जो 2 बॉक्स हैं वो तो कम्प्लीटली फिल होंगे, 2 बॉक्स हैं वो तो कैसे होंगे, कम्प्लीटली फिल होंगे। तो यहाँ पर देखो जो 2 बॉक्स है वो तो आपके कम्प्लीटली फिल हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग जो 1 बॉक्स है वो क्या होगा, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, तो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, उसके बाद उसका केवल 1 पार्ट फिल होगा। तो ऐसा ही यहाँ पर दिख रहा है, 1 पार्ट इसका फिल है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इनके आंसर देने हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, जो इससे सिमिलर जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करना, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट आपके बोर्ड पर 3 डिफरेंट क्वेश्चन डिस्प्ले हो रखे हैं, 1, 2 एंड 3। तो इनको किस तरीके सोल्व करें, तो पहले तो हमें इनको सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी करना है। तो यहाँ देखो हमें क्या मालूम है कि हम यहाँ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखेंगे। यहाँ पर भी सिमिलर काम होगा और यहाँ पर भी आपका सिमिलर काम होगा। अब इसके बाद देखो ये कितना हो जाएगा, 7 × 3, 21 / 4। ये आपका होगा 13 × 1, 13 / 3 और ये होगा 45 / 5। अब इसके बाद देखो जब आप इसको 21 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 21 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5, 4 times 21 रिमाइंडर। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं तो जितना कोशेंट होता है उसको लिख देते हैं, उसके बाद हम रिमाइंडर को लिखते हैं और यहाँ डिविजर को लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, 4 एंड 1/5। सिमिलरली यहाँ पर देखो जब आप 13 की बात करोगे तो 4 टाइम्स इसके बाद 1, तो ये क्या होगा, 4 एंड 1/3। अब यहाँ पर देखो 45 है वो 5 से 9 टाइम डिवाइड होता है, 45 यहाँ 0, तो इसका मतलब ये 9 आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर आपके पास सोचने लायक बात ये है कि इस केस में आप इसको पहले मल्टीप्लाई करने के बजाय आप पहले इसको डिवाइड भी कर सकते थे। अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर हो तो उसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, उसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस भी करेंगे किस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो जैसे यहाँ पर 15 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम डिवाइड होगा और 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9। तो सिमिलर आंसर आएगा इस तरीके से भी। तो इस इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं, जैसे आपने ऑफ वर्ड सुना होगा कई बार। ऑफ वर्ड क्या होता है कि किसी गिवन नंबर के लिए या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बोला जाए कि ये ऑब्जेक्ट इससे रिलेटेड है। तो हम कैसे बोलेंगे, जैसे मान लो अभी यहाँ पर हम बात करें फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ,
इस वर्ड को ध्यान में रखना। तो ऑफ का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये बॉक्स है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँ कि अगर इसका ये पार्ट से डेड है तो मेरा कहने का मतलब क्या होगा कि 1/2 ऑफ दिस बॉक्स। दिस बॉक्स का मतलब क्या होगा, ये कम्प्लीटली क्या हो गया, 1, तो 1/2 ऑफ 1 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर 2 बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, तो इस केस में मैं क्या लिखता फिर, 1/2, क्योंकि इसका भी 1/2 है, इसका भी 1/2 है, तो 1/2 ऑफ 2 डिफरेंट बॉक्सेस, तो 2। क्लियर? तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि 1/2 ऑफ 2 होगा इस कंडीशन में। इस अगर ये केवल इस इसकी इसकी बात होती तो 1/2 ऑफ 1 होता। तो यहाँ पर देखो कि क्या होगा, जब आप इसका 1/2 ले रहे हो और इसका 1/2 ले रहे हो, तो होना तो क्या है, 1 होना है, यानी कि 1/2 एंड 1/2 ये क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अगर सिमिलरली यहाँ पर एक और बॉक्स होता, तो इस केस में क्या होता कि इन तीनों बॉक्स को मिलाते तो क्या बनता है यहाँ पर, 1/2 ऑफ 3, तो ये क्या बनता, 1/2 + 1/2 + 1/2 इक्वल्स टू 3/2। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर कि जैसे मान लो आप अभी तक अभी पहले भी देख रहे थे 1/2 × 3 करोगे तो क्या मिलेगा, 3/2, 3 बॉक्सेज है, सभी बॉक्स 1/2 फिल है, ठीक है। सिमिलरली इस वाले केस में करते हैं आप, तो 1/2 × 2 इक्वल्स टू 2/2 इक्वल्स टू 1, ठीक है, और इसमें तो केवल एक ही बॉक्स की बात है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ कि जहाँ भी आपका ऑफ वर्ड आएगा उसका एक प्रकार से मतलब क्या है, यहाँ पर ऑपरेटर की फॉर्म में कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन। जहाँ पर भी आपको ऑफ वर्ड नज़र आए वहाँ पर हमें करना क्या है, मल्टीप्लिकेशन। केवल बस इतना सा यहाँ पर समझाने वाली चीज़ थी, ठीक है। तो आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना, उसके बाद हम जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से गिवन है वो हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर जो डिस्प्ले है उनको देखो एक बार, क्या लिखा है, सेड 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स। तो देखो पहले तो हमें इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम 5/5 जो स्क्वायर हैं उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ देखो 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको, तो पहले हम 5 स्क्वायर लेंगे। अब उसको आप किसी भी तरीके से ले सकते हो, आप ऐसा ले सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, या आप ऐसे ले सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, किसी भी तरीके से, ठीक है। तो आप इस तरीके से लोगे 1, 2, 3, 4, 5, तो उस केस में आप क्या कर रहे हो कि आप 5 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हो इस तरीके से, 1, 2, 3, 4, 5, क्लियर। तो अब यहाँ से आपको समझ में आ गया कि अब ये टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये पूरा बॉक्स। पहले ये कितने पार्ट्स में था, 15 पार्ट्स में, अब ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, 3 पार्ट्स इसके सेड करने हैं। तो 3 पार्ट्स अब देख लो, 1, 2 और 3, तो हम इस तरीके से इसको इस तरीके से हम इनको फिल कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको क्या करना होता है कि आप इसको दूसरे किसी वे में भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपको पहले जो टोटल कॉल जो टोटल स्क्वायर हैं उनको आपको किससे डिवाइड करना था, 5 से डिवाइड कर देते। जैसे यहाँ पर 15 कॉलम है तो आप इसको 5 से डिवाइड करते, क्या मिलता है आपको, 3, यानी कि आपको 3 कॉलम से इन 3 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि आपके पास 3/5 है तो आप इसको 3 से ऊपर डिवाइड कर देते, 3 से वो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करते थे 3 से नीचे, तो ये क्या बनता है एक प्रकार से 9/15, क्या बनता, 9/15,
ठीक है, तो अब 15 कॉलम की बात हो गई, 15 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। पहले यहाँ पर गिवन कितने में, 5 में, लेकिन ये डिवाइड तो कितने में था, 15 पार्ट में। तो अब जो नंबर है उसको भी हमने उसी फॉर्म में चेंज कर लिया, तो 9/15 हो गया। अब आप 9 कॉलम इनमें एक प्रकार से शेड कर दो इसको, 9 फॉर्म, 9 जो पार्ट्स हैं उनमें। तो 9 ब्लॉक को हमने शेड कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आप किसी भी तरीके से कर सकते थे, मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको पहले 5 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लो, 5 पार्ट्स में कन्वर्ट करने के बाद आप 3 पार्ट्स में इसको सेट कर दो, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर देखो एक नहीं एक साथ दो क्वेश्चन है कि 2/3 एक बार किसके लिए बात हो रही है, 18 के लिए, 2/3 ऑफ 18, और एक बार क्या बात हो रही है, 2/3 ऑफ 27। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2/3 इंटू 18 और एक बार किसकी बात हो रही है, 2/3 इंटू 27। क्योंकि अभी मैंने बोला था कि ऑफ को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन से। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 18/3। अब दो तरीके मैंने बताए पहले कि या तो आप 18 को 3 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर देना। तो अगर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते तो 36/3 12 आएगा, और अगर यहाँ से कैंसिल करते तो 6 एंड 6 इंटू 2, उस केस में भी सिमिलर वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। सिमिलरली आप इधर देखो, 2 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 3 9 टाइम्स, एंड 9 इंटू 2 18। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करते तो 54 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 18, अब भी आपको सिमिलर आंसर मिलेगा। तो समझ में आया किस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो अभी आप वीडियो पॉज करके इसको नोट करो, फिर जो रिमेनिंग टाइप के क्वेश्चन हैं उनको और हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं एक बार। तो अभी हमारे सामने देखो यहाँ नेक्स्ट बोर्ड पर जो टू डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन डिस्प्ले हैं, अभी हम इनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अभी तक हम बात कर रहे थे फ्रैक्शन की और एक होल नंबर की, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन और होल नंबर तो है, लेकिन फ्रैक्शन किस फॉर्म में, मिक्स्ड फॉर्म में। तो हम इसको पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर से वापस से मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ देखो 5 इंटू, इसको अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 4 इंटू 6 24, 24 एंड प्लस 3 27 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 5 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 4, ये कितना होता है, 27 इंटू 5 कितना होता है, 135, कितना होता है, 135। इसको आप 4 से डिवाइड करो। अब 135 को आप 4 से डिवाइड जब करोगे तो आप क्या देखोगे कि 4 3 टाइम्स 12, यहाँ पर रिमेनिंग 1, 4 3 टाइम्स 12, यहाँ पर रिमेनिंग 3। तो यहाँ पर देखो 33 कंप्लीट नंबर आएगा, उसके बाद रिमाइंडर कितना है, 3 एंड डिवाइडेड बाई डिविजर कितना है यहाँ पर, 4। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आप सिमिलरली इधर भी देखो, यहाँ पर क्या करना है, ऑफ की जगह आपको मल्टीप्लीकेशन का साइन ही तो यूज करना है। तो 1/2 इंटू 2 एंड 3/4। तो इस केस में देखो होगा क्या कि यहाँ पर 1/2, या इसको भी इधर ही लिख लेता हूँ क्योंकि उधर उसको सोल्व कर दूंगा। तो 1/2 इंटू, यहाँ पर देखो 4 इंटू 2 8 8 एंड 3 11, तो यहाँ पर 1/2 इंटू 11/4। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। तो 11 इंटू 1 डिवाइडेड बाई, या 1 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। ये न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैसे डिवाइड हुआ, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस भी करने वाले हैं जब हम एक फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो वहाँ से आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर होगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या हो गया, 11 इंटू 1 11 एंड 2 इंटू 4 8। अब आप 11 को 8 से डिवाइड करो, तो 8 1 टाइम
एट रिमेनिंग थ्री। तो यहाँ पर देखो वन टाइम ये डिवाइड है, उसके बाद थ्री रिमाइंडर एंड फोर डिविजर। सिमिलरली आप यहाँ पर ये एट है, डिविजर कितना है यहाँ पर, डिविजर कितना है एट, ठीक है। सिमिलरली आप इधर देखो क्या होगा, वन बाई टू से मल्टीप्लाई करना है फोर एंड टू बाई नाइन को, तो क्या होगा यहाँ पे वन बाई टू एंड नाइन इंटू फोर 36 एंड 36 इंटू टू 38, 36 प्लस टू 38 डिवाइडेड बाई नाइन। तो यहाँ पर अब देखो क्या होगा, 1 इंटू 38 डिवाइडेड बाई 2 इंटू नाइन, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर क्या बन गए, 38 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है। अब आप या तो यहाँ से क्या कर देते हैं इसको, 2 से इस 38 को डिवाइड करते तो 19 बाई 9 हो जाता, या आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से करते तो 19 होता, 19 बाई 9। अब आप यहाँ से भी किसी कॉमन नंबर से इसको डिवाइड कर सकते हो, तो ये 2 से डिवाइड होंगे दोनों नंबर, तो ये हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 9। और जब आप 19 को 9 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से क्या देखोगे, 9 टू टाइम्स 18 वन रिमेनिंग। तो यहाँ पर देखो टू टाइम्स से डिवाइड हो रहा है, उसके बाद वन रिमाइंडर है एंड नाइन आपका डिविजर है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अभी जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें एक जो वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है वो रिमेनिंग है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय, ठीक।